दिल्ली में कांग्रेस का रूल था तो मिजोरम क्या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस से भी दूर था और हम लोगों के दिल से भी दूर था। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मणिपुर की दोनों कमिटी से कि वह साथ बैठकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। जो ट्रस्ट डेफिसिट मणिपुर में दोनों कम्युनिटीज में पैदा हुई है उस ट्रस्ट डेफिसिट को वह समाप्त करें। बजट में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मोर देन 1,34,000 करोड़ से अधिक की अमाउंट यह जो है इस बार एलोकेट की गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के। इस साल मणिपुर में जो अनफॉर्चुनेट वायलेंस हुआ है उस पर हम सभी को बेहद पेन हुआ है, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि यह वायलेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कराया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एलेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसके कारण वहां पर वायलेंस हो गया। मणिपुर की बोथ कम्युनिटीज में के बीच एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई जिसके कारण वायलेंस हुआ है और उसे समाप्त करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मणिपुर की दोनों कमिटी से कि वह साथ बैठकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। जो ट्रस्ट डेफिसिट मणिपुर में दोनों कम्युनिटीज में पैदा हुई है उस ट्रस्ट डेफिसिट को वह समाप्त करें। दिल्ली में कांग्रेस का रूल था तो मिजोरम क्या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस से भी दूर था और हम लोगों के दिल से भी दूर था। जब से सेंटर में मोदी ने एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। मैं लास्ट 20 ईयर से बराबर मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट आ रहा हूं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम एक सबसे मेजर प्रॉब्लम यहां की रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सभी कैपिटल्स तक पहुंचना यह बहुत ही कठिन काम था, कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। आज हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देश की राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है क्योंकि हर स्टेट को आज एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। यहां तक कि सिक्किम को भी यहां एयरपोर्ट खुलना बहुत कठिन काम माना जाता था, वहां भी एयरपोर्ट खुल गया है। और 2014 में नॉर्थ ईस्ट में केवल 8 एयरपोर्ट और 1 वाटरवे था, आज 2023 में 17 एयरपोर्ट और 18 वाटरवे नॉर्थ ईस्ट में हो गए। बजट में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मोर देन 1,34,000 करोड़ से अधिक की अमाउंट यह जो है इस बार एलोकेट की गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के। मिजोरम में तो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी म्यांमार बॉर्डर तक रेल नेटवर्क ले जाने की दृष्टि से काम हो रहा है। साइरंग आइजोल से हबीचुआ जो म्यांमार बॉर्डर है वहां तक 223 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने का भी हमारा प्लान है और उस पर हमने काम शुरू कर दिया है।